अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बैरिया टाउन लाहौर में हैं और यहाँ पे आज हम लोग आपको बहुत सारे ब्लॉग दिखाने वाले। हम लोग यहाँ पे आज़म भट्टी एवेन्यू पे हैं। ये बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन रोड है। लास्ट पे बहुत बड़े बड़े कोठियाँ कह लें या बैंगलोज बन रहे हैं, नॉट श्योर कि किन की हैं। और वहाँ पे सबसे पहले गजनवी ब्लॉक हम लोग आपको दिखाएंगे, जो कुछ डिवेल्प हो चुका है, कुछ होने वाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं आज़म भट्टी एवेन्यू पे। आपकी राइट साइड में कमर्शियल एरिया है और आगे ये दूसरी राइट साइड में निस्तर ब्लॉक है। इस तरफ बैरिया मार्ट बनने जा रहा है जो लेफ्ट साइड में। रोड बिल्कुल साफ सुथरी है, ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं सारे, कटिंग अच्छी से हुई हुई है, काफ़ी अच्छा एरिया है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों में। सामने बोर्ड लगा हुआ है, आपके राइट साइड में तलहा ब्लॉक है, लेफ्ट पे गजनवी है, मस्जिद अबू जर है और बैरिया टाउन स्कूल भी यहीं पे है। तो अभी हम लोग आपको यहाँ पे गजनवी ब्लॉक पहले दिखाते हैं। तो ये आ गया आपका गजनवी ब्लॉक। ये आपकी गजनवी ब्लॉक की एंट्रेंस होगी L1-13। सही है, अभी पहली रोड पे चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या क्या घर बने हुए हैं। तो इस तरफ कोई इतनी खास कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। सामने बहुत ही तीन बड़ी कोठियां बन रही हैं, नॉट श्योर के कौन है इनका ऑनर, लेकिन दीज आर ह्यूज कोठियां बनी हुई है वाली। तो ये भी फ्रंट मैं आपको दिखा दूंगा आखिर पे। ये आ गया आपकी दूसरी स्ट्रीट। अभी बहुत कम घर बने हुए इसमें। ये है आपकी स्ट्रीट नंबर 2 गजनवी ब्लॉक। कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, दिसंबर का महीना है 2020, दिन के 2 बजे तकरीबन। और ये स्मोग या कह लें या पूरा इतना क्लियर नहीं है इन्वायरमेंट, लेकिन फिर भी बेहतर है। स्ट्रीट नंबर 3 हम लोग जा रहे हैं, कॉर्नर पे बहुत ही मज़े का घर बना हुआ है और इस तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। लुक्स लाइक के ये प्लाट लोगों ने काफ़ी सारे बाय कर चुके हैं और इस पे कंस्ट्रक्शन दिन रात जारी है। एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि कंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, तो समटाइम्स स्टैंडर्ड्स को वो सही से मीट अप नहीं कर रहे। जैसे आपने सीमेंट को सुखाना है, लेंटर के लिए सूखने के लिए टाइम देना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इतना ध्यान नहीं रखते। गजनवी ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 5 में हम लोग। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे ट्रीज़ लगे हुए हैं, साफ़ सुथरा रोड और घर लेफ्ट पे राइट पे कुछ एक दो बने हुए हैं। और ये थी हमारी स्ट्रीट नंबर 5। अभी नेक्स्ट स्ट्रीट में चलते हैं। स्ट्रीट नंबर 6 गजनवी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस तरफ एक प्यारा सा घर बना हुआ है और ज़्यादा प्लॉट्स खाली हैं। मैं भी 1% से 2% जो है वो सारा अभी तक ऑक्यूपाइड है, लोग रह रहे हैं इसमें। इसमें गैस अभी तक नहीं है। मोस्टली जो जिनमें कंस्ट्रक्शन लेस देन 70% है, उन ब्लॉक्स में गैस नहीं है अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हुए हैं, घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। अभी हम लोग ये वाला कॉर्नर तक चलते हैं
देख लेते हैं आगे क्या है, बंद है तो ये वाली गली बंद है। इस तरफ गजनी ब्लॉक स्ट्रीट 12 है, मोड़ के हम लोग 12 में आते हैं। ये सामने पहले ये वाली स्ट्रीट जो है 12 है, उसके बाद 11 है। तो सामने सिक्योरिटी वगैरह का काफ़ी इंतज़ाम है, बैरिया में सिक्योरिटी का काफ़ी इंतज़ाम है। यहाँ पे आपको अक्सर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल पुलिस के नज़र आते रहेंगे। तो गजनी ब्लॉक 11 स्ट्रीट लेफ्ट लीजिए, ये सामने पार्क था जो आपने देखा। अभी हम लोग स्ट्रीट 11 में आएंगे और राइट साइड पे स्ट्रीट 15 है। तो यहाँ से हम लोग फिर ये आपकी लेफ्ट साइड में 11 थी और राइट साइड में 15। ये कॉर्नर पे घर बना हुआ है, ये भी हम लोग असल में स्ट्रीट नंबर 10 पे थे, 11 पीछे वो दूसरी रह गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड में लेंगे स्ट्रीट 9 आएगी और स्ट्रीट 9 से ऑल द वे आगे जाएंगे तो मैंने स्ट्रीट 15 है। तो अभी तक हम लोग घूम रहे हैं गजनी ब्लॉक। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही कम हुई हुई है। सीपेज का मसला चाहे पुराने ब्लॉक हो या नए ब्लॉक हो सब में, तो अगर कंस्ट्रक्शन किसी किसी घर की अच्छी हुई हुई है तो उसमें नहीं है मसले, लेकिन जिन्होंने इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन की है, तो उन घरों में आप देख सकेंगे दीवारों पे बाहर भी और सारा कुछ। तो ये गजनी ब्लॉक स्ट्रीट 22 हमारी राइट साइड में है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो लेफ्ट लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक डॉग बंधा हुआ है। घर बने हुए हैं फॉर सेल है, आई डोंट नो हाउ मच दे आर एस्किंग, बट घरों की ज़्यादातर 10 मरले की जो है वो रेंज 180 से लेके 240 250 और सम जिनमें ज़्यादा ही एक्स्ट्रा टाइलिंग वगैरह लगी हुई है वो 3 तक 3.5 तक भी मांग रहे हैं। ये गजनी ब्लॉक 19 स्ट्रीट हमारी लेफ्ट में और ये गजनी ब्लॉक की स्ट्रीट 21 ऑन आवर राइट साइड। तो अभी हम लोग यहाँ से लेंगे लेफ्ट, आगे सिक्योरिटी ने कुछ जगहों पे ना बंद की होती हैं स्ट्रीट्स, लेकिन ये वाली लुक्स लाइक खुली हुई है। लोगों ने कुछ ने चिकन रखे हुए हैं यहाँ पे। उस तरफ जोहर ब्लॉक है, ये वाला गजनी ब्लॉक में वापस हम लोग आ गए। ये घर वालों ने 2-3 चिकन रखे हुए हैं। घर कुछ पुराने घर देख के आपको दिल बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी उनके सीमेंट उतरा हुआ होता है, सही से यहाँ तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई, सही से सीमेंट नहीं हुआ, सुखाया नहीं गया राइट वे में, तो वो सारी चीज़ें। तो आगे 2 कुत्ते जर्मन शेफर्ड्स हैं, देयर इज अ सिक्योरिटी गाय। तो ये जोहर ब्लॉक है वो हमारी राइट साइड में, हम लोग अभी गजनी में घूम रहे हैं, सिक्योरिटी का काफ़ी इंतज़ाम है। कंस्ट्रक्शन फुल टाइम हो रही है, बट यू कैन सी दैट के मे बी इस पूरे ब्लॉक में less than 5% कंस्ट्रक्शन हो या इससे भी लेस में होगी। अभी हम लोग सीधे ही चलते हैं और वहाँ से मेन पे हम आपको दिखाते हैं जो 3 बड़ी बैंगलोज बन रहे हैं, बहुत बड़े या बड़ी कोठियाँ बन रही हैं। ये हम राइट साइड में स्ट्रीट 14, लेफ्ट साइड में स्ट्रीट 18 ऑफ गजनी ब्लॉक। गजनी ब्लॉक स्ट्रीट 15 में घूम रहे हैं अभी। सिर्फ जो मैं आपको कह रहा था कि 3 बैंगलोज बन रहे हैं बहुत बड़े, वो सामने आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी। आई एम नॉट श्योर हु द ओनर्स आर, लुक्स लाइक वेरी रिच पीपल। बिल्कुल कॉर्नर पे उन्होंने अपना 3 घर एक जैसे बनवा रहे हैं।
ट्रीज काफ़ी लगे हुए हैं सारे ही एरिया में, तो साइड वॉक बनी हुई है, साफ सुथरी, कोई टूटी हुई नहीं है। अच्छा, आप ये अभी लेफ्ट में देखिएगा, ये घर में जिनकी बात कर रहा था आपको, कि दीज आर द बिग मैंशन और महल कह लें आप इनको या आप कोठियां कह लें, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अंदर। इनका साइज भी इज़ नॉट लाइक वन कनाल और टू कनाल्स, एकड़ों के ऊपर होगा, तो काफ़ी बड़ा ये किसी प्रोजेक्ट है कोई, मे बी देयर फैमिली बिल्डिंग मल्टीपल हाउसेस फॉर देयर सिबलिंग्स। तो अभी आप ये देख सकते हैं अपने लेफ्ट साइड में, ये पहला गेट है इनका, अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत ही मज़े की हुई हुई है, और दीज आर ह्यूज हाउसेस, एक यूनिक आर्किटेक्ट उससे डिज़ाइन हो रहे हैं ये, और बहुत ही खूबसूरत, जैसे बादशाहों के महल होते थे पुराने ज़माने में। इट हैज़ ऑल दोज काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स उसमें यूज़ किए हुए हैं, बहुत ही अंदर से नज़र आ रही चीज़ें, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग करते हैं गजनवी ब्लॉग को एंड। Thank you very much for watching. Please subscribe, and we appreciate you spend time with us.